हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ हेयर सीरम की रेसिपी शेयर करूँगी। दोस्तों, कई लोगों की दिक्कत रहती है कि वो हेयर वॉश के बाद ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद बाल जो हैं वो स्टिकी और फ्रिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में वो बाज़ार में मिलने वाले महंगे हेयर सीरम की ओर रुख करते हैं, जो कि बहुत ही महंगे प्राइस में मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताने वाली हूँ हेयर सीरम बनाने की, कि कैसे आप घर पर बहुत ही आसानी से हेयर सीरम बना सकते हैं, वो भी नेचुरल चीज़ों से और बहुत ही किफ़ायती दाम में। तो ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको आधा गिलास पानी बॉइल करना है। इसमें आधा चम्मच के तकरीबन आपको चाय पत्ती मिलानी है। दोस्तों, इन्हें अच्छे से बॉईल होने देंगे। दोस्तों, ब्लैक टी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन जो है वो भरपूर मात्रा में होती है, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ और सिल्की बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसे बॉईल करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी ब्लैक टी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। दोस्तों, अब क्या करना है कि इसमें एलोवेरा जेल के 3 चम्मच हम ऐड कर लेंगे। एलोवेरा जेल दोस्तों हमारे हेयर्स को प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है और हमारे बालों को हाइड्रेट रखता है। अब हम दोस्तों इसमें विटामिन ई इवन 400 के 3 कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई दोस्तों हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमारे बालों में शाइन भी ऐड करते हैं। इसके साथ साथ बालों को जो हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और ये सीरम जो है आप हेयर्स को वॉश करने के बाद आप अपने हेयर्स पर लगाइए। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त कोई भी स्प्रे बोतल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी गुलाब जल की खाली बोतल में इसे स्टोर करूंगी। लेकिन आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप मार्केट से कोई भी स्प्रे बोतल, खाली स्प्रे बोतल ले आइए और उसी में ये हेयर सीरम जो है वो आप स्टोर करके रखें। तो जे मैंने इस खाली बोतल में स्टोर कर लिया है दोस्तों, और अगेन मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और जे आपका हेयर सीरम जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप जब भी हेयर वॉश करें तो आप इस सीरम को अपने बालों पर अप्लाई करें, तो आपके हेयर्स जो हैं वो सिल्की, स्मूथ और हेल्दी भी रहेंगे। देखा दोस्तों आपने, इस हेयर सीरम को बनाना कितना ज़्यादा आसान है, कितनी किफ़ायती दाम में आप घर पर हेयर सीरम बना सकते हैं। तो ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।